व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो दो मेथड है। सबसे पहले मेथड है टेल टू टेल, टेल टू टेल मेथड, और दूसरी मेथड है हेड टू हेड, हेड टू हेड मेथड। तो ये दो मेथड है जिसे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेंगे, ये ए वेक्टर है और ये बी, और सपोज इसके इसका जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे इसका टेल और इसका टेल मैच हो रहा है, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल, मीन्स ये और ये पॉइंट दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। दूसरा एग्जांपल लेंगे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री, लेकिन मेथड के अंदर क्या दिया हुआ है, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हेड है और ये टेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट। तो इसको हम डॉटेड लाइन से इसको ऊपर डिनोट करेंगे। ओके, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मींस ए और बी का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। आप चाहे तो हेड टू हेड भी कर सकते हो, मींस ये जो लाइन है उसको आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे, ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हेड टू हेड या टेल टू टेल से भी आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लेंगे, हेड टू हेड है तो इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेंगे, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका जो एंगल है वो 150 डिग्री है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो है हेड है और यहाँ पे टेल है, यहाँ पे हेड है और यहाँ पे टेल, तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, मीन्स यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। तब जब यहाँ पे देखोगे तो ये टेल और ये टेल मैच हो रहा है, और इसको यहाँ पे नाम देंगे थीटा, तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, सो हमारा आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कर सकते हो बाय टेल टू टेल एंड बाय हेड टू हेड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 0 < θ < 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री से कम हो तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना है, 180 डिग्री के ऊपर की वैल्यू नहीं लेना है, 180 डिग्री से जो भी कम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम टेल टू टेल और हेड टू हेड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, जैसे कि 120 डिग्री तो यहाँ पे कैसे 60 डिग्री आया, तो जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो एक क्वार्टर, ये चार क्वाड्रेंट है, तो ये 90 डिग्री तो ये कितना होगा, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है। तो इसी तरीके से जब ये 120 है, जब यहाँ से हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ टेल टू टेल मैच करेंगे, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मीन्स 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 डिग्री। इसी तरीके से 150 के लिए भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कर सकते हैं।